हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा अंतरिक्ष यान है जो आपको धीरे धीरे अंतरिक्ष में ले जाएगा, धीरे धीरे वापस लाएगा। ज्यादा समय तक आप अंतरिक्ष में वक्त बिता सकेंगे। फ्लोरिडा स्थित कंपनी स्पेस पर्सपेक्टिव ने अपने गुब्बारा आधारित अंतरिक्ष यान से पर्दा हटा दिया है। कंपनी ने कहा कि अब से एक साल बाद लोग इनके इस यान पर बैठकर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर तक यात्रा कर पाएंगे। इस यान का नाम है स्पेसशिप नेपच्यून। इसके अंदर बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां होगी जिनसे आपको बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। कंपनी के को सीईओ टेबर मैकुलम ने कहा कि यह यान बेहद सिंपल, सुरक्षित और लग्जरी से भरपूर होगा। इसके सिंपल डिजाइन और ऑटोमेशन सिस्टम इसे बेहद सुरक्षित बनाता है। इसके केबिन में रेस्ट रूम होगा, टेलीस्कोप होगा, बड़े इंटरेस्टिंग स्क्रीन और सोफे लगे होंगे। इनके अलावा कई अन्य तरह की सामान्य जरूरतों की सुविधाएं भी मौजूद होगी। ये गोलाकार अंतरिक्ष यान 8 यात्री और 1 पायलट को लेकर अंतरिक्ष में यात्रा कर पाएगा। इसकी शुरुआत इसी साल 2024 के अंत में होगी। ये यान 1,00,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएगा, यानी 30,000 मीटर तक। ये असल में पूरी तरह से अंतरिक्ष में नहीं ले जाएगा, लेकिन उसके ठीक नीचे तक ही यात्रा कराएगा। इसमें यात्रियों को जीरो ग्रेविटी का एहसास नहीं होगा क्योंकि वो 100 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाएगा। इस यान की टिकट को अब तक 900 लोगों ने खरीद लिया है। इसकी टिकट की कीमत काफी कम है। इसकी यात्रा करने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, जिसकी किराया आपकी सोच से भी बेहद कम है। आप सिर्फ 1.25 लाख डॉलर यानी 99.9 लाख रुपए देकर 6 घंटे की अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं। इस कंपनी की साइट पर जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। स्पेस पर्सपेक्टिव का ऑफर सुनने में तो असंभव लगता है क्योंकि इतने सस्ते में कोई अंतरिक्ष यात्रा कैसे करा सकता है, जबकि जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ऑरिजिन और रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक करोड़ रुपए में यात्रा करा रहा है। स्पेसशिप नेपच्यून की यात्रा टेक ऑफ से लेकर समुद्र में लैंड करने तक कुल 6 घंटे की होगी। यानी स्पेसशिप नेपच्यून आपको कुछ ही घंटों में यात्रा कराकर सुरक्षित जमीन पर ले आएगा। और फायदा तो यह होगा कि आपके नाम के आगे एस्ट्रोनॉट लग जाएगा। स्पेस पर्सपेक्टिव कंपनी फिलहाल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ऑपरेट हो रही है। इसकी पहली सफल परीक्षण उड़ान जून 2023 में हो चुकी है। इसके लिए कंपनी ने एक बड़ा गुब्बारा बनाया है जिसके मदद से इसका स्पेसशिप नेपच्यून अंतरिक्ष तक गया था। गुब्बारा उस समय करीब 1,00,000 फीट से थोड़ा ज्यादा की ऊंचाई पर गया था। अभी इस कंपनी के स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून के परीक्षण चल रही है और सारे सफल परीक्षणों के बाद इसकी लॉन्चिंग इसी साल 2024 के अंत में होगी। इस स्पेसशिप नेपच्यून में 360 डिग्री देखने की व्यवस्था होगी, रिक्लाइनर आरामदायक कुर्सियां होगी, वाईफाई और रिफ्रेशमेंट बार होगी, कैप्सूल के मेन डेक के नीचे वॉशरूम भी होगा। इसके अलावा एंटी ग्लेयर खिड़कियां होगी जिसके जरिए लोग अंतरिक्ष से धरती को देख सकेंगे या फिर अंतरिक्ष का नजारा ले सकेंगे। स्पेसशिप नेपच्यून में एक बार में 8 लोग अंतरिक्ष की यात्रा पर जा सकेंगे। कंपनी का दावा है कि ये कंपनी लोगों को पहली बार अंतरिक्ष की लग्जरी यात्रा कर पाएगी। शुरुआती यात्रा पर सिर्फ 8 लोगों को ही भेजा जाएगा। सीट की बुकिंग के लिए आपको 79,000 रुपए देने होंगे, लेकिन बाद में आपको सीट कंफर्म करने, यात्रा करने और स्पेस लग्जरी का मजा लेने के लिए बाकी के बचे हुए पैसे देने होंगे। ये तो तब भी बाकी उन कंपनियों से कम है जो अंतरिक्ष की यात्रा के लिए इससे कई गुना पैसा ले रहे हैं। कंपनी के संस्थापक जेन पॉइंटर और टेबर मैकुलम ने कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंतरिक्ष का यात्रा का मजा ले, सुरक्षित जाए और यादगार पलों को जीकर सुरक्षित वापस आए। जेन ने बताया कि उनकी कंपनी में नासा समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसियों को छोड़कर आए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में उन्हें नासा से भी मदद मिल रही है। इस 6 घंटे की यात्रा में 2 घंटे जाने और 2 घंटे आने और 2 घंटे अंतरिक्ष में बिताने का मौका मिलेगा। यानी हर यात्री अपने सपने को पूरा होते हुए आराम से देख सकता है। स्पेसशिप नेपच्यून को अंतरिक्ष में ले जाने वाला गुब्बारा एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा है। ये इतना ताकतवर है कि आराम से आपको धरती और अंतरिक्ष की शुरुआती सीमा तक ले जाकर आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन नजारों का आनंद दिला सकता है। आप वहां से धरती को गोलाकार आकार भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते किसी नए टॉपिक किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।